तो अब इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है कि एक ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट हैंड साइड कुछ नंबर हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड कुछ नंबर हैं, यानी कि सॉर्टेड एरे है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, -5, -4, 3, 2, 0। ज़ीरो के बाद है आपका 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पूरी एरे के अंदर पहला ऐसा पेयर ढूंढना है जिसका सम ज़ीरो हो। जैसे अगर -5 के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, -4 के साथ लेकिन है, -4 एंड 4 इज़ इक्वल टू 0। तो मेरी जो एरे यहाँ पे मिलेगी मुझे, वो ये मिलनी चाहिए एज अ रिज़ल्ट। तो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट, और ये क्या हो गया मेरा, आउटपुट। तो इस वीडियो के अंदर तो हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सही तरीके का पैटर्न देखेंगे इसको सॉल्व करने का। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल वाला जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर को मैं इससे 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 सबसे कंपेयर करके देखूं कि सम ज़ीरो आता है क्या, फिर इसको कंपेयर करके देखूं, फिर इसको, एंड सो ऑन। हालांकि इसमें जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया इस सम ज़ीरो, या फिर गेट सम ज़ीरो पेयर। यहाँ पर मुझे एक एरे चाहिए। तो बेसिकली मान लो मेरी एरे इस तरह की होती, मैं क्या करता है यहाँ पर एक फॉर लूप चलाता अपनी एरे के ऊपर, फॉर लेट नंबर ऑफ एरे, जो भी मेरी एरे थी उसके अंदर जो भी नंबर थे उसके ऊपर मैंने फॉर लूप चलाया। यहाँ पे एक एक करके मुझे सारे नंबर ऐसे मिलते गए। तो अब दूसरे के ऊपर इस पर्टिकुलर नंबर को, यहाँ पे मुझे एक एक करके जो नंबर मिल रहे हैं मुझे कंपेयर करना है दूसरे नंबर से, तो एक और फॉर लूप चलानी पड़ेगी मुझे। और ये फॉर लूप चलेगी आपकी कहाँ से, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये एरे चलेगी मेरी आई इज़ इक्वल टू 1 से, क्योंकि ये चलेगी मेरी 0 से। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये चेक लगाना है कि इफ़ जो मेरा एरे के अंदर से नंबर मिल रहा था वो, अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूँ जो मेरी दूसरी एरे है, एरे के अंदर अगर मैं आई डाल दूँ, ठीक है, और इसका सम 0 के बराबर आ जाए, तो उस पर्टिकुलर नंबर को मुझे रिटर्न करना है एक एरे के अंदर, जिसके अंदर मैं पहले वाला नंबर डालूँगा और एरे के अंदर आई डालूँगा। दैट्स इट, सिंपल। अब यहाँ पर अगर मैं इसको निकालूँ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू गेट 0 नंबर पेयर, और जो हमारी एरे होगी वो होगी इन नंबर्स की, कंसोल डॉट लॉग रिज़ल्ट नोट डेमो डॉट js। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, -4 एंड 1 4, जो मुझे आउटपुट चाहिए था वही आउटपुट यहाँ पे मुझे मिल गया। लेकिन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, अगेन वही वाली प्रॉब्लम है कि एक फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप है, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट इज़ O(n)2, यानी कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे जिसकी मदद से हम इसको और इजीली सॉल्व कर पाएँ और इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे।